नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एग्जाम फोबिया के ऊपर, एग्जाम से लगने वाले डर के ऊपर, एग्जाम से उत्पन्न चिंता के ऊपर। और ये बहुत ही नेचुरल है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं सभी के साथ लगभग लगभग होता है। दोस्तों, जब मैं एग्जाम फोबिया की बात करता हूं तो एस्पिरेंट दो तरह के होते हैं। एक एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम को सीरियसली लेते ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म डाल दिया है और मुझे एग्जाम देना है। उसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है, ना वो रोज 8 से 10 घंटे की स्टडी किया है। उसके लिए एग्जाम फोबिया कोई मायने नहीं रखता, उसे एग्जाम से डर ही नहीं लगता है। उसके लिए ये वीडियो किसी काम की नहीं है, वीडियो उनके लिए है जो सीरियस है, जो एग्जाम के प्रति डिवोटेड है और जो बहुत मन लगा के इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, उनको एग्जाम से डर लगेगा, भय लगेगा, चिंता होगी, लेकिन ये नेचुरल है, ये कोई असामान्य घटना नहीं है, ये सबके साथ होता है। मैं आपको बताऊं, 2010 की बात है, 2010 में जो सबसे पहले मैंने अपने लाइफ में कोई इंटरव्यू फेस किया वो आईएएस का इंटरव्यू था, दिल्ली में पढ़ा था केएस चलम के बोर्ड में। जब दोस्तों मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया तो मुझे सबसे पहले गेट के पास बैठाया गया, जो कि जहां पे इंटरव्यू चल रहा था, और मैं उस एक चेयर पे बैठा था, वहां दूर दूर तक कोई नहीं था और उसके ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा था, यूपीएससी मेंबर के एस चलम। और मैं वहां पे 35 से 40 मिनट बैठा रहा, इसलिए बैठा रहा क्योंकि अंदर कमरे में किसी दूसरे एस्पिरेंट का इंटरव्यू चल रहा था। वो 30 से 40 मिनट मेरे जीवन का सबसे डेंजरस समय में कह सकता हूँ। मुझे लगता था कि बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से भाग जाऊँ। एग्जाम जो है मैंने प्री दिया, निकाला, मेंस दिया, निकाला, इंटरव्यू तक पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, ऐसा लगता था कि मुझे अगर बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए चाइना और पाकिस्तान के, और दो चार गोलियां मुझे लग जाए वो मंजूर है, लेकिन यहां पे बैठना, इस टेंशन को झेलना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब मेरी बारी आई और जब मुझे अंदर बुलाया गया और जब मुझसे बातें हुई तो बहुत मैं नॉर्मल हो गया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि चाहे वो आईएएस टॉपर रहा हो, कोई भी एस्पिरेंट रहा हो, चाहे वो कितना भी मेधावी रहा हो, कितना भी लेबोरियस रहा है, उसको डर लगता है। इसलिए ये एक नॉर्मल सी घटना है, इसे आप अन्यथा मत लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि ये एग्जाम फोबिया जो है आपको थोड़ा कम हो जाए और एग्जाम से कम डरें। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताता हूँ आपको कि जब हम आईएएस के इंटरव्यू में गए थे, वहाँ पे एक मैंने सेशन अटेंड किया था। उस सेशन में एक बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, चीफ सेक्रेटरी थे, उनका एक मैंने व्याख्यान सुना था, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो बात। वो बोल रहे थे कि जब आप एग्जामिनेशन के प्रेशर में होते हो तो माइंड से एक हार्मोनिक सेक्रेशंस होता है जो आपके इफिशियंसी को बढ़ा देता है। आप एक चीज को गौर जरूर किए होंगे कि जब एग्जाम पास होता है और जब आप चीजों को पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो वो चीजें जो आपको कभी समझ में नहीं आती हैं, आई रही होती है पहले, वो बहुत जल्दी से समझ आ जाती हैं, उसे जल्दी से आप नोट्स बना लेते हो और वो चीजों को आप समझ लेते हो। इसका मतलब जो ये एग्जाम फोबिया है, जो एग्जाम से ये डर है, वो कहीं ना कहीं आपके क्षमता को बढ़ा देता है, इफिशियंसी को बढ़ा देता है। आप जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ लेते हो, जल्दी जल्दी चीजों को समझ लेते हो और आपकी जो पढ़ाई की स्पीड है वो पहले से दोगुनी हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये आपके ऊपर जितना निगेटिव इंपैक्ट डालता है उससे ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपकी चीजों को आसान बना देता है। अब देखिए, एग्जाम फोबिया तो होता सबको है, लेकिन इसको कैसे मैनेज करें, इससे थोड़ा बचने का प्रयास कैसे कम करें, या फिर इस स्ट्रेस को थोड़ा कम कैसे करें, इसके लिए दो चार राय मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, सबसे बड़ी चीज है रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रहिए, एकदम काल्म रहिए। अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप विजयी बनेंगे, और दूसरा एडवर्स सिचुएशन सोच लीजिए क्या होगा, आप इस परीक्षा में फेल हो गए, असफल हो गए,
तो आपको एक बेहतर सीख मिलेगी। सीख ये मिलेगी कि एग्जाम को किस तरीके से टैकल करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको क्या चीजें फील हुई जो आप नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करेंगे। तो जो ये असफलता है वो एक सफलता की सीढ़ी है, इसको आप बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिए, अन्यथा नहीं लीजिए। रिलैक्स रहिए, काल्म रहिए, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो अंत नहीं है, यहां से फिर से एक नई प्रारंभ होगी, दूनी ऊर्जा के साथ, दूनी एफिशिएंसी के साथ हम फिर से एग्जाम में लगेंगे। दूसरी चीज ये है कि एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा आप सोइए, ज्यादा आराम करिए, रेस्ट करिए। कई बार मैं ऐसा देखता हूं कि आप सोना ही कब कर देते हो, सिर्फ 2-3 घंटा सोते हो, सिर्फ पढ़ते पढ़ते पढ़ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से रेस्ट करिए, 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, यह बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अच्छी नींद लें। और प्रॉपर ईट एंड ड्रिंक बहुत अच्छे से, जो आपके न्यूट्रिएंट्स फूड्स हैं उसको खाइए, पानी जितना से ज्यादा पी सके पानी पीजिए, जितना मॉर्निंग में आप अंकुरित चीजों को खा सकें, स्प्राउट खा सकें, आप मूंग भिगो के आप खा सकें उसको खाइए, हेल्दी फूड्स खाइए, अच्छे से जो है पानी पीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पॉजिटिव दोस्तों से, पॉजिटिव सीनियर से मिलिए, निगेटिव लोगों से, निगेटिविटी फैलाने वाले मित्रों से बिल्कुल दूरी बना करके किसी से भी बात विवाद बिल्कुल मत करिए। जितना से ज्यादा हो सके आप रिवीजन करिए, आप नई चीजों को बहुत पढ़ने का भी प्रयास मत करिए। जितनी चीजें आपने नोट्स बना के रखी है, जितने चीजों को हाईलाइट करके रखे हैं, उतनी चीजों को आप नोट्स जो बनाए हैं उसको रिवीजन करिए, ताकि चीजें वो गलत ना हो सके जो अब तक आपने काम किया है। तो यहां पे एक आपका स्टेप होना चाहिए कि आप अच्छे से चीजों को रिवाइज करें, चीजों को पढ़ लीजिए। एक चीज और है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, अपने से किसी की तुलना मत करिए। देखिए समस्या यही होता है कि मेरा दोस्त वो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, वो इस बार टॉप कर जाए, किसी से, सब लोग यूनिक हैं, सबकी एफिशिएंसी यूनिक है, सबकी जो है क्षमताएं अलग अलग है, किसी से कंपेयर मत करिए। आप किसी से कम नहीं है, आप में कुछ कमियां हैं तो आप में कुछ खूबियां भी तो हैं, इसलिए अपने से दूसरों का तुलना करना बिल्कुल बंद करिए, यह बिल्कुल ही सही चीज नहीं होती है। साथ ही साथ थोड़ा सा गेम खेल अगर सके, इंडोर या आउटडोर, जो आपका फेवरेट है उसको आधे घंटे जरूर खेलिए, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि ऐसे गेम बिल्कुल मत करिए, खेलिए जो आपको इंजुरी दे सके या आपको हर्ट कर सके, ऐसी चीजों से बिल्कुल आप दूर रहिए। मतलब अगर आप ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल सकते हो तो आप खेल सकते हो आराम से, सांप सीढ़ी का खेल खेल सकते हो खेलो, कैरम बोर्ड खेल सकते हो तो खेलो, आप बैडमिंटन खेलते हो थोड़ा बहुत तो खेलो। ये नहीं कि एकदम से हम साधु संन्यासी बन गए, अब बिल्कुल हम पढ़ाई करेंगे 16 घंटे की, ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप जो है अपने आप को मोटिवेट रखें, एनर्जेटिक रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा करते रहिए, अच्छा सोचते रहिए। साथ ही साथ म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी म्यूजिक आपको पसंद है उस म्यूजिक को सुनिए। अगर आपको भजन पसंद है भजन सुनिए, गजल पसंद है गजल सुनिए, अब तो मोबाइल में हर आपकी सुविधाएं अवेलेबल है, आप कोई भी जो ऐप ले लीजिए जो आपका फेवरेट है उसको आप जरूर थोड़ा बहुत अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, जो भी आपको लगता है, जो भी गाने आप सुनते हैं उस गाने को सुनिए, थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, अपने आप की तरफ झांकिए, बाहरी दुनिया से कंपैरिजन मत करिए, किसी से लड़ने की झगड़ने की आजकल बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के एक्स्ट्रा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप से थोड़ी सी बातें करिए, अपने आप को थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए, अपने रुचियों को थोड़ा सा निखारिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जीत गए तो यहां से फिर आपकी पढ़ाई बंद नहीं होने वाली है, आप किसी नए टारगेट की ओर जाओगे, और हार गए तब भी ये अंत नहीं है, फिर भी आप एक नया शुरुआत करोगे, नया प्रारंभ। तो डर किस चीज का है, कभी भी डरने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। एक लाइफ है, 60-70 साल की आप लाइफ है, इसे जितना ज्यादा खुश होकर आप जी लो, जितना विदाउट टेंशन जी लो उतना ही बेहतर है। आप तो देखते हो यहां पे तरह तरह की घटनाएं आती हैं, आप देखते हो कि आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर भी सुसाइड कर लेते हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो इतनी बड़ी चीज है कि आप उसके लिए जो है जान दे दे, चिंता कर ले, टेंशन कुछ नहीं है।
जीत गए तो जीत गए, हार गए तब भी कोई गम नहीं है, फिर से लगेंगे, फिर से देंगे, फिर से निकालेंगे। तो दोस्तों बस मैं ये आपसे कहता हूं कि अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए, परमपिता परमेश्वर पे विश्वास रखिए, अपने माता पिता का जरूर रिस्पेक्ट करिए, अपने शिक्षक का जरूर रिस्पेक्ट करिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्रत्येक दिन लेते रहिए। बी पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।